अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज़हीर अहमद ख़ान। मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि सन 2019-20 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ामिनेशन अनाउंस किया था, मगर COVID-19 की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2020 अक्टूबर 4 तारीख को ये एग्ज़ामिनेशन करने का फ़ैसला किया है, और इस सिलसिले में उनके ऑफिशियल वेबसाइट स्कूल एजुकेशन में उन्होंने हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड भी छोड़ा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को इस बात से इल्म नहीं है कि एग्ज़ाम है या नहीं। हाँ, ये एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है और वो एग्ज़ाम 4 तारीख की नहीं, अगला संडे को, 4 तारीख अक्टूबर 4 तारीख 2020 को है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको मोबाइल में किस तरह से आपका एडमिट कार्ड, हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो इससे पहले आप मेरा चैनल ऑल इन वन योर होम सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से TET यानी कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं। इससे सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ पर आप टाइप करें स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर आ गया कर्नाटका दल्ली शाला शिक्षण, यहाँ पर आप क्लिक करें तो देखिए एक पेज यहाँ पर आया है। इसमें आप क्लिक, थोड़ा जूम करता हूँ पेज में, तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग देखने में मिल रहा है कि जनरेट एडमिशन टिकट ऑफ TET 2019 स्केड्यूल ऑन 4/10/2020। तो यहाँ पर इस लिंक पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड याद रहना ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्लिक करें जनरेट एडमिशन टिकट को, तो आपको यहाँ पर होम पेज ओपन होगा TET का। देखिए आ गया है अप्लीकेशन फॉर कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड। आइए यहाँ पर मैं आपको मेरा ही एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताता हूँ। फर्स्ट लेटर कैपिटल ज़हीर 1980 मेरा यूज़र नेम है, और ज़हीर 8/1980 मेरा पासवर्ड। तो आप इसे लॉगिन करें। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, तो आप सीधा नीचे आकर यहाँ पर डाउनलोड को क्लिक करें। डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपको आपके हॉल टिकट आ जाएगी इस तरह से। तो आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, गैलरी में या आपके मेमोरी कार्ड में, और कहीं भी साइबर को जाकर आप प्रिंट ले सकते हैं। अब जिसका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है वो क्या करें, जिनको याद नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे एग्ज़ामिनेशन कॉल करके, COVID-19 की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो बहुत सारे लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है, यूज़र नेम पासवर्ड भी याद नहीं है। ऐसे लोग क्या करना है इसका मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट से दिखाता हूँ। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन क्लिक कीजिए, फर्स्ट लिंक है आपके सामने, ये लिंक को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड दिखा रहा है, आप उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको चंद डिटेल्स वहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि आपका, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन में दिया था, न्यू पासवर्ड जो आप पासवर्ड देना चाहते हैं उसी पासवर्ड को कंफर्म करें और सेव करें, तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को आपके पासवर्ड और जन्म आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप TET एग्ज़ामिनेशन की हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको भेज रहा हूँ, आप क्लिक करें, अपने मोबाइल में सेव करें। और फ्रेंड्स, आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे अगले वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द और एक आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में भेज रहा हूँ, आप इसका वेट करें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।